नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ काविंद्र चौहान और वक्त हो चुका है उत्तराखंड के खास बुलेटिन अपना उत्तराखंड का। तो चलिए रुख करेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। नैनीताल में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री प्रत्याशी कर्नल अजय कोठियाल ने मां नैना देवी मंदिर में पूजा अर्चना की है। पूजा करने के बाद तल्लीताल में मेजर राजेश अधिकारी बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण कर रोजगार गारंटी यात्रा का बिगुल बजाया। आप पार्टी कार्यकर्ताओं ने कर्नल का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है। तल्लीताल गांधी मूर्ति से लाओ लश्कर के साथ रोड शो करते हुए और आम जनमानस का आशीर्वाद लेते हुए मल्लीताल श्री राम सेवक सभा पहुंचे, जहां कर्नल कोठियाल ने जनता को संबोधित किया। वहीं रोड शो के दौरान आप पार्टी के कार्यकर्ता अपने को रोक नहीं सके और जमकर ठुमके लगाए। आप पार्टी कार्यकर्ताओं में जमकर जोश देखा गया है। तो तस्वीरें नैनीताल की हैं, जहां पर अजय कोठियाल ने मां नैना देवी की पूजा की है। कर्नल अजय कोठियाल का यहां पर भव्य स्वागत भी किया गया। उत्तरकाशी नगरपालिका परिषद बाड़ा हाट की तरफ से रामलीला उत्तरकाशी मैदान में आयोजित काशी विश्वनाथ फुटबॉल रनिंग टूर्नामेंट के समापन फाइनल समारोह में पूर्व विधायक विजयपाल सजवाण बतौर मुख्य अतिथि सम्मिलित हुए। पिछले 5 दिनों से चल रहे इस फुटबॉल टूर्नामेंट में 8 टीमों ने हिस्सा लिया, जिसमें बाड़ाहाट और व्यापार मंडल की टीमें अपने दमदार खेल की बदौलत फाइनल में पहुंची। फाइनल के रोमांचक मुकाबले में व्यापार मंडल की टीम ने बाड़ाहाट की टीम को 1-0 से हराकर टूर्नामेंट अपने नाम किया है। विजेता और उपविजेता टीम को मुख्य अतिथि के तरफ से ट्रॉफी और पुरस्कार वितरण कर समापन किया गया है। तो तस्वीरें उत्तरकाशी की हैं, जहां पर व्यापार मंडल ने फुटबॉल रनिंग टूर्नामेंट का मैच जीत लिया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से व्यापार मंडल के लोगों ने आज फुटबॉल का मैच खेला और व्यापार मंडल ने फुटबॉल रनिंग टूर्नामेंट का जो आयोजन किया गया था उसको जीत लिया है। विजेता को मुख्य अतिथि ने ट्रॉफी से सम्मानित किया है। वहीं उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उत्तरकाशी के संयुक्त तत्वाधान में न्यायमूर्ति अध्यक्ष राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण हाईकोर्ट मनोज तिवारी की अध्यक्षता में आज राज इंटरिये कॉलेज बड़कोट परिसर में बहुद्देशीय विधिक साक्षरता शिविर आयोजित हुआ। माननीय न्यायमूर्ति ने दीप प्रज्वलित कर विधिक साक्षरता शिविर का शुभारंभ किया। इस अवसर पर कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की बालिकाओं की तरफ से रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति देकर रमवाई वैली की संस्कृति से रूबरू कराया गया। शिविर में सदस्य सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण आर के खुलबे, जिला मजिस्ट्रेट मयूर दीक्षित, एसपी मणिकांत मिश्रा उपस्थित रहे। सितारगंज कांग्रेस की महिला जिला अध्यक्ष रेखा सोनकर राष्ट्रीय महिला सचिव मंजू तिवारी के आवास पर पहुंची। रेखा सोनकर ने सादिस्ता बेगम को नगर महिला कांग्रेस कमेटी का नगर अध्यक्ष नियुक्त किया। इस मौके पर महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव मंजू तिवारी और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हसनैन मलिक के नेतृत्व में दर्जनों महिलाओं ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। आपको बताते चले, बीजेपी छोड़कर दर्जनों महिलाओं ने राष्ट्रीय सचिव मंजू तिवारी के आवास पर पहुंचकर कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली है। वहीं राष्ट्रीय सचिव मंजू तिवारी ने कहा कि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की तरफ से महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, जिससे आम गरीब जनता का जीना मुश्किल होता जा रहा है। इस बार 2022 विधानसभा चुनाव में जनता बीजेपी सरकार को मुंह तोड़ जवाब देगी। आज हमारे जिला महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष हमारी बहन रेखा जी और हमारे राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की महासचिव श्री मेरी बड़ी बहन मंजू तिवारी जी और आज जो हमारे नगर की महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बनी है, एक गठन करा है ब्लॉक और नगर, आज इनको एक जिम्मेदारी दी गई है जिला अध्यक्ष जी के द्वारा। और 22 के चुनाव को देखते हुए आज हमारी बहनें जिस तरीके से तैयारी के साथ उन्होंने कांग्रेस का झंडा पकड़ा है, तो वो दिन अब दूर नहीं है। आगामी 2022 को लेके सारी मातृशक्ति एक्टिव है, आपने देख ही लिया है। एक आवाज़ में मेरी बहनें आ गई हैं, क्योंकि वो महंगाई का दंश झेल रही हैं, बेरोजगारी है और चरम सीमा पे है, घर चलाना मुश्किल हो गया है। इस प्रकार से आगामी 22 में महिलाएं पूरी अपनी भागीदारी निभाएंगी। इस भ्रष्टाचारी सरकार को, इस तानाशाही सरकार को हम उखाड़ के फेंकेंगे और हमारा लक्ष्य है कि हम अधिक से अधिक महिलाओं को इस पार्टी में जोड़ेंगे, क्योंकि अगर
कांग्रेस पार्टी कोई सांप्रदायिकता नहीं फैलाती है, वो सभी धर्मों को लेकर चलती है। इसलिए महिलाएं इसमें आने के लिए बहुत आतुर होती हैं, क्योंकि मैं भी एक पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रही हूँ और मैं भी इस पार्टी में मुझे इतना बड़ा सम्मान दिया, उस सम्मान में मैं खड़ी उतरूँगी और अपना काम करूँगी और सारी प्रदेश की महिलाओं को एकत्र करके उन्हें 2022 के लिए फतह की तैयारी करूँगी। कई किसान संगठनों के आह्वान पर 27 सितंबर को भारत बंद का ऐलान किया गया है, जिसको सफल बनाने के लिए सितारगंज कृषि मंडी में किसानों ने एकत्रित होकर किसान सभा का आयोजन किया, जिसमें स्कूल एसोसिएशन, व्यापार मंडल, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और समाजवादी पार्टी और भी कई राजनीतिक दलों ने सभा में पहुंचकर 27 सितंबर को भारत बंद को सफल बनाने के लिए समर्थन दिया। भारत सरकार की तरफ से 3 कृषि कानून बनाने के बाद पूरे देश के किसान 3 कृषि कानूनों को भारत सरकार से वापस लेने की मांग करते हुए पिछले लगभग 9 महीनों से गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं। वहीं कई किसान संगठनों ने 27 सितंबर को भारत बंद का ऐलान किया है, जिसको सफल बनाने के लिए सितारगंज में भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले कई राजनीतिक दल और स्कूल एसोसिएशन, व्यापार मंडल ने पहुंचकर अपना समर्थन किया है। तो सितारगंज में रणनीति बनाई गई है, किसानों ने किसान सभा का आयोजन किया, जहां पर रणनीति बनाई गई है कि किस तरीके से भारत बंद जो 27 सितंबर को करने की बात कही जा रही है उसको सफल बनाया जाए। तो यहां पर भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर कई किसानों ने पहुंचकर किसान सभा का आयोजन किया और जल्द से जल्द रणनीति बनाने की जो योजना है उसको बनाया है कि किस तरीके से 27 सितंबर को 3 कृषि कानूनों के खिलाफ जो लामबंद हुए किसान उसको कैसे सफल बनाया जाए। ये जैसा आपको सबको पता है 600 से ज़्यादा किसान शहीद हो चुका है बॉर्डरों पर बैठे, 3 काले कानून, कृषि काले कानून जो बने हैं उनको वापस रिपील करवाने की मांग है उनकी, लेकिन 600 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं। अभी तक सरकार ने बिल्कुल भी कोई संवेदना व्यक्त तक नहीं की है। उसी संबंध में आज लगातार कोई ना कोई कार्यक्रम संयुक्त किसान मोर्चा रखता है, उसी परिप्रेक्ष्य में ये भारत बंद का आह्वान 27 तारीख को उन्होंने किया था और हमें ऊपर से आदेश मिला था कि संयुक्त किसान मोर्चा का कि सभी दल जितने भी हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, विपक्षी दल जितने भी हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, सभी के सहयोग से बंद को पूर्ण रूप से सहयोग उनका सफल बनाना है। इसी संबंध में सभी दलों को आह्वान किया था और क्षेत्र के किसानों को, उसी संबंध में ये बैठक थी और 27 तारीख को हम लोग चाहेंगे कि पूर्ण रूप से बाजार बंद हो। 27 सितंबर को पूरे देश में भारत बंद का ऐलान किया गया है, उसी के उपलक्ष में आज सितारगंज में स्कूल एसोसिएशन, व्यापार मंडल एसोसिएशन, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, सभी लोगों को और अन्य राजनीतिक दलों को, बीजेपी को छोड़कर सबको बुलाया गया है और सबने यहां पर भारत बंद में अपना समर्थन देने का आह्वान किया है। पूर्ण रूप से जिला उधम सिंह नगर उत्तराखंड और सितारगंज तहसील पूर्ण रूप से 27 तारीख को बंद रहेगा और इस सरकार के खिलाफ जो भी संयुक्त किसान मोर्चा का ऐलान दिल्ली से आता रहेगा उसको किसान साथी यहाँ पर बिल्कुल उसको मानेंगे। हरिद्वार में टिहरी विस्थापित क्षेत्र में सुमन नगर में THDC और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की तरफ से एक निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सुमन नगर पथरी में किया गया। विधायक आदेश चौहान की तरफ से इस निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का शुभारंभ किया गया। चिकित्सा शिविर में मधुमेह रोग और अन्य चिकित्सीय जांच का निशुल्क कार्यक्रम चलाया गया। बता दें कि THDC उत्तराखंड सेवा समर्पित के लिए उत्तराखंड में जगह जगह सेवा शिविरों का आयोजन करती रहती है। तो ओ भाई ऑन एयर लाना और वहीं रुद्रप्रयाग में बिना ई पास के केदारनाथ धाम की यात्रा पर आ रहे यात्रियों को आधे रास्ते से ही वापस लौटाया जा रहा है। अभी तक बिना ई पास के पहुंचे 900 से ज्यादा यात्रियों को गुप्तकाशी, सोनप्रयाग,
अगस्त्यमुनि से वापस लौटाया जा चुका है, जबकि यात्रा पर आने वाले यात्रियों की सीमित संख्या 800 होने के कारण स्थानीय लोगों को भी रोजगार नहीं मिल रहा है। जगह जगह होटल लॉज खाली है। ऐसे में केदारनाथ यात्रा से जुड़े होटल लॉज संचालकों ने 27 सितंबर को केदार घाटी बंद करने का निर्णय लिया है। 27 सितंबर को केदार घाटी के सभी होटल लॉज और दुकानें बंद रहेंगी। होटल लॉज संचालकों का कहना है कि ई पास की अनिवार्यता को समाप्त करके पूरी तरह से यात्रा को खोला जाना चाहिए। अभी जो सरकार ने यहाँ पर यात्रा शुरू करी है, इसमें सबसे ज़्यादा सरकार ने जो ई पास की अनिवार्यता करी है, इसके कारण यहाँ पर यात्री पहुँच नहीं पा रहे हैं। ई पास जो कि यहाँ पर लिमिट सरकार ने 800 की रखी है, इसके कारण यात्रियों को बड़ी परेशानी हो रही है। जिन यात्रियों के पास ई पास नहीं है, उनको आधे रास्तों से वापस भेजा जा रहा है। इस यात्रा से यहाँ क्षेत्रवासियों को बड़ी उम्मीदें थी, क्योंकि क्षेत्रवासियों का जो है कि रोजगार इसी चारधाम यात्रा से चलता है। आज लोग दर दर की ठोकरे खाने को तैयार हैं। लोगों के पास बैंक की किस्तें देने को नहीं है, लोग अपने कर्जदार हो चुके हैं, लेकिन सरकार इस चारधाम के यात्रा के लिए कुछ नहीं कर रही है। अभी यहाँ पर ई पास की जो बाध्यता है, इसके खिलाफ यहाँ पर लोग आंदोलन तक करने को तैयार हो चुके हैं। मेरा सरकार से यही निवेदन है कि यहाँ पर ई पास की बाध्यता को समाप्त किया जाए। ये माननीय हाईकोर्ट के आदेश के क्रम में और उत्तराखंड शासन द्वारा जो SOP जारी की गई थी, तो उसी के अनुसार 18 सितंबर से श्री केदारनाथ धाम की यात्रा स्टार्ट कर दी गई है। इसमें जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं, उनके लिए ऑनलाइन पास की व्यवस्था की गई है। दिन में लगभग 800 लोगों को ही ई पास दिए जा रहे हैं। तो इसमें पुलिस की तरफ से पूरी व्यवस्था की गई है। हमारे 6 जगह पर बैरियर्स स्थापित हैं, जहाँ पर कि अलग अलग रूट से आने वाले लोगों की चेकिंग की जा रही है कि जिनके पास पास हैं वही लोग आएँ। इसके अतिरिक्त ट्रैफिक की ड्यूटीज़ लगी हुई हैं, जहाँ जहाँ ट्रैफिक के बॉटल नेक्स हैं, जिससे कि ट्रैफिक सुचारू रूप से चलता रहे। पार्किंग्स में ड्यूटी लगी हुई हैं। इसके अलावा जो यात्रा पड़ाव हैं, सोनप्रयाग, गौरीकुंड, भीमबली, लिंचोली और श्री केदारनाथ धाम, हर जगह हमारी पुलिस की व्यवस्था है। देखिए, कई लोग हैं ऐसे जो कि बिना ई पास के आ जा रहे हैं, तो उनको माननीय हाईकोर्ट के निर्देश और SOP को जानकारी देकर उनको वापस किया जा रहा है। अभी तक लगभग 900 लोग ऐसे आए हैं जिनको भी वापस भेजा गया है। वहीं ऑल इंडिया केंद्रीय गुरु सिंह सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तरविंदर सिंह मारवाह ने 27 सितंबर को संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर को लेकर एक प्रेस वार्ता की है। वार्ता में उत्तराखंड की जनता से 27 तारीख को भारत बंद के समर्थन के लिए अपील की गई है और कहा कि पूरी तरह से 27 तारीख को भारत बंद करने में सहयोग करें। और 2 अक्टूबर को रुद्रपुर के किसान मैदान में सभी विधानसभाओं के किसान इकट्ठा होकर सुबह 9 बजे रुद्रपुर से गाजीपुर किसान आंदोलन के लिए एक किसान हल्ला बोल किसान रैली के साथ कूच करेंगे और संयुक्त किसान मोर्चा को ताकतवर बनाएंगे, अपने विरोध में बड़े कानूनों को वापस कराएंगे। हम रुद्रपुर में एक महापत्याग कर रहे हैं, जो पार्टियों की समस्या है, जो बाकी समस्या है, उस पर कल विचार कर रहे हैं। तीसरी बात जो है, व्यापार मंडल का मैं धन्यवाद करता हूँ कि सारा व्यापार मंडल कितार कहीं का आया हुआ है और उन्होंने भी कहा कि भारत बंद का हम समर्थन करेंगे। चौथा मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी, तीनों काले कानून वापस लो, नहीं तो गद्दी छोड़ो। और 2 अक्टूबर को हल्ला बोल रैली जो है वो निकाल रहे हैं रुद्रपुर से गाजीपुर बॉर्डर में, इसलिए क्योंकि सरकार की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि आंदोलन जो फीका हो गया है, लेकिन सरकार को हम बताना चाहते हैं ये आंदोलन फीका नहीं हुआ है। आपके तीनों कानून काले कानून जो लेकर आए हो वो फीके हो गए, लेकिन संयुक्त मोर्चे का आंदोलन फीका नहीं हुआ है और इसी तरह हम आंदोलन करते रहेंगे जब तक तीनों काले कानून वापस नहीं लेंगे। वहीं लक्सर उप जिलाधिकारी ने कस्तूरबा गांधी विद्यालय अकबरपुर में औचक निरीक्षण किया, जिसमें उन्होंने क्लासरूम से लेकर भोजन हॉस्टल का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उप जिलाधिकारी को काफी खामियां मिली। उप जिलाधिकारी ने वहां के अध्यापकों को खामियों को दूर करने का आदेश दिया है। लक्सर उप जिलाधिकारी वैभव गुप्ता ने बताया कि उनकी तरफ से जब निरीक्षण किया गया तो कई खामियां पाई गई।
फिलहाल स्कूल प्रशासन ने सख्त निर्देश दिए गए हैं और उनकी तरफ से जल्द सभी खामियों को दूर करने का निर्देश भी जारी किया गया है और कहा गया है कि अगर इसके बाद भी कोई लापरवाही बरती जाती है तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। इसमें कोविड-19 के दृष्टिगत शासन से निर्देश है, जो भी स्कूल खोले गए उनको कुछ कंडीशन के अंतर्गत खोला गया, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क इत्यादि का पालन किया जाए, सैनिटाइज किया जाए स्कूल क्लासरूम्स को। तो इसमें यही सब कुछ कमियां पाई गई कि एक बेंच पर चार टीम या चार बच्चे बैठेंगे और काफ़ी छोटे कक्ष में काफ़ी सारे बच्चे पाए गए। तो इस संबंध में जो संबंधित प्रधानाचार्य हैं उन्होंने नोटिस दिया गया, साथ ही कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का निरीक्षण भी किया गया। वहाँ पर भोजन की गुणवत्ता को लेकर मतलब काफ़ी खामियाँ पाई गई कि दाल थी वो बिल्कुल पानी थी और इस संबंध में संबंधित जो उसकी जो वो है वार्डन उनको भी नोटिस दे दिया गया। हरिद्वार के लक्सर में स्वास्थ्य विभाग कल से पल्स पोलियो अभियान शुरू करने जा रहा है, जिसे लेकर सीएचसी लक्सर में आज सभी अधिकारियों के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान सीएचसी प्रभारी लक्सर डॉक्टर अनिल वर्मा ने बताया कि आज लक्सर में पल्स पोलियो के रिकॉर्डिंग ब्लॉक टास्क फोर्स की एक बैठक की गई है, जिसमें एसडीएम लक्सर वैभव गुप्ता, नायब तहसीलदार लक्सर, आईसीडीएस, बीडीओ, एजुकेशन डिपार्टमेंट व अन्य विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी हिस्सा लिया है। उन्होंने बताया कि हरिद्वार उत्तराखंड का बेहद संवेदनशील जिला है, जहाँ स्वास्थ्य विभाग कल से पल्स पोलियो अभियान शुरू कर रहा है। उन्होंने बताया कि इस दौरान हमारा लक्ष्य रहेगा कि नवजात से लेकर 5 साल के बच्चों को मैक्सिमम कवरेज कल ही हो जाए। उन्होंने यह भी बताया कि हमारे पास 22,600 के आसपास बच्चे हैं, जिसमें से 90% बच्चों का कल ही कवरेज पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है। हमारी ब्लॉक टास्क फोर्स की मीटिंग रिगार्डिंग पल्स पोलियो की थी, जिसमें हमारे एसडीएम साहब और नायब तहसीलदार साहब और आईसीडीएस, बीडीओ और एजुकेशन डिपार्टमेंट एवं अन्य विभागों के कर्मचारी अधिकारी उपलब्ध थे और हमारी आशाएं थी, आंगनबाड़ी थी, तो सब ये इसलिए रिगार्डिंग थी कि कल से हमारा 26 सितंबर से पल्स पोलियो अभियान चलना है। SNID ये पूरे देश में कुछ चिन्हित जगह पर चलेगा, क्योंकि हमारा उत्तराखंड में हरिद्वार बड़ा ही सेंसिटिव जोन है जो यहाँ पे रखा गया है। ये उसमें कि हमारा बूथ डे मैक्सिमम कवरेज हमारा 0 से 5 साल तक के बच्चों का कल ही होना चाहिए, जिसमें हमारे 22,600 कुछ बच्चे हैं। हमारा लक्ष्य ये है कि हम मोर देन 90% कल ही अचीव करें। इसके संदर्भ में हमारी आज BTF की मीटिंग थी। वहीं नैनीताल में शनिवार व रविवार को पर्यटकों की संख्या में जमकर इजाफा हो जाता है, जिसके चलते यहां आए दिन जाम की स्थिति बनी रहती है। ये स्थिति अब इतनी आम हो गई है कि एक चौराहे से दूसरे चौराहे पर जाम लगना आम हो गया है। जहां आए दिन चौराहों पर जाम लगते हैं, वहीं आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तो वहीं स्थानीय लोगों को पैदल चलना तक मुश्किल हो जाता है, जिससे स्थानीय लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये स्थिति और भी खराब तो तब हो जाती है जब इस दौरान बारिश हो जाती है। उत्तरकाशी में मुख्यालय से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मातली में भागीरथी नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया, जिसकी वजह से 5 लोग नदी के बीच में ही फंस गए। वहीं स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची NDRF की टीम ने नदी में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और कड़ी मशक्कत के बाद सभी को सुरक्षित नदी से बाहर निकाला। बता दें, यह लोग अपने खच्चर को लेकर नदी में रेत निकालने के लिए गए थे। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश के बीच भी मजदूर खच्चर लेकर नदियों के बीच से रेत निकालने जा रहे हैं, पर फिर भी जिला प्रशासन की ओर से कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। जानकारी के मुताबिक शनिवार दोपहर को ये मजदूर खच्चर लेकर भागीरथी नदी के बीच में रेत निकालने गए थे, तभी अचानक नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण सभी मजदूर नदी के बीच में फंस गए,
जिन्हें एनडीआरएफ की टीम ने सही सलामत बाहर निकाल लिया है। तो तस्वीरें उत्तरकाशी की है, जहां पर अचानक जलस्तर बढ़ने के चलते काफी मजदूर नदी के बीच में फंस गए। आपको बता दें कि खच्चरों को लेकर जाते हैं और ऐसा ही जलस्तर बढ़ने के बाद भी ये लोग करने गए थे, जिसके चलते नदी में 5 लोग फंस गए। वहीं गढ़वाल के चमोली के विकास खंड जोशीमठ का सीमांत गांव तोलमा में लगा मोबाइल टावर मात्र शोपीस बनकर रह गया है। जहां सीमांत क्षेत्र में कुछ महीने पहले ही जियो का मोबाइल टावर लगाया गया था, ताकि ग्रामीणों को अपनों से संपर्क करने में आसानी हो सके, लेकिन जियो द्वारा टावर तो लगा दिया गया, लेकिन अभी तक जियो का टावर केवल शोपीस बना हुआ है। जब ये जियो टावर लगाया गया था, तब बद्रीनाथ विधायक महेंद्र भट्ट द्वारा इसका उद्घाटन भी किया गया था। वहीं इस टावर के लगने से लोगों में भी खुशी का माहौल था, लेकिन अब इतना समय बीत जाने के बाद भी ये जियो टावर काम नहीं कर रहा है, जिससे लोगों में निराशा है। हमारे यहाँ पे विगत कई दिनों से जियो का नेटवर्क गायब है। नेटवर्क कभी कभी पूरा आता है, लेकिन उसमें ना बात हो पाती है, ना नेटवर्क चलता है, और हमारे जो बच्चे हैं वो स्कूल में कोई जोशीमठ, गोपेश्वर, श्रीनगर, देहरादून इत्यादि जगहों पे हैं, तो उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। एक तो यहाँ पे काफ़ी बारिश हो रही है, तो डर लगा रहता है कि बच्चे कहाँ होंगे, क्या कर रहे होंगे, तो बातचीत नहीं हो पा रही है। मेरा अनुरोध है जियो वालों से कि तुरंत नेटवर्क को सुचारू किया जाए, ताकि सभी ग्रामीण अपने बच्चों के साथ या रिश्तेदारों के साथ संपर्क में आ सके हैं। हम आजकल लगभग संपर्क से कट चुके हैं, तो मेरा जियो से अनुरोध है कि तुरंत नेटवर्क को चालू किया जाए। वहीं देहरादून के रायवाला थाना के छिद्दरवाला क्षेत्र की एक महिला ने अपने पड़ोसी पर ही कार में दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। मामले में पुलिस को तहरीर देकर पीड़िता ने कानूनी कार्रवाई की मांग की है। वहीं मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। मामले में रायवाला थानाध्यक्ष भुवन चंद पुजारी ने बताया कि पीड़िता के अनुसार वह अपने पड़ोसी धूम सिंह के साथ दवाई लेने के लिए गई थी, लेकिन रास्ते में सुनसान जगह पर पड़ोसी ने कार रोककर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दे दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर लिया है, जहां से कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। धन्यवाद।